अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और ये वाला जो साइड में बेल आइकन है इसको भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि कभी भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको चाहिए ये ऐसा वाला, ये पेड़ का जो डंडी होता है पुराना पेड़ का, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ऐसा था, पुराना एक फ्लावर का था तो वो मैंने ले लिया। देन ऐसा थर्मोकोल का ऐसा बॉल, ये आपको कहीं पे भी जहाँ पे आपका घर का जो सामान, जैसे नॉर्मली स्टेशनरी सामान जहाँ पे मिलते हैं उधर मिल जाएगा, 10 रुपया का ये आता है। मैं ये स्टिक को वाइट कलर से पेंट करने वाली हूँ, तो वाइट कलर का पेंट और ब्रश। ये मैं रेड कलर की ऊल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी और कलर की ऊल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 10 to 15 rupees ये लेता है आपका ऊल। नॉर्मली आप जहाँ पे स्टेशनरी सामान मिलता है उधर जाके आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो पेड़ का जो डंडी है फुल्ली पेंट कर लेना है। आप चाहे तो दूसरा कलर से भी कर सकते हैं, मैं वाइट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो फ्लावर बनाऊँगी कुछ अलग कलर का बनाना है मुझे फ्लावर, तो उसमें आप वाइट में वो अच्छे से खिलेगा। तो इस तरीके से पहला एक कोट आपको कर लेना है, उसके बाद ये पहला एक कोट हो जाने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फुल्ली, देन आपको फिर से सेकेंड कोट आपको करना है। तो इस तरीके से आप फुल्ली पेंट कर लीजिए पूरे डांडी को। ये एक्रिलिक कलर आप चाहे तो वाटर कलर भी, बट वाटर कलर से एक्रिलिक कलर लास्टिंग अच्छा करता है, इसलिए मैं एक्रिलिक कलर ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो थर्मोकोल का बॉल लाई थी मैं, इसको ऐसे आपको होल नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्टिक के अंदर से आपको ऐसे स्टिक लेना है और इस तरीके से ये बॉल डाल देना है। फिर आपको और एक स्टिक लेना है इस तरीके से और इस तरीके से डाल देना है। ऐसे आप थर्मोकोल का मैं बॉल डाल दी हूँ, और ये जो ऊपर मैं पॉम पॉम बनाई हूँ ऐसे एक ही मैं येलो लगाया, बाकी मैं लगाऊंगी रेड कलर का। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस तरीके से ये पॉम पॉम बनाते हैं। तो ऐसा रेड कलर का उल लीजिए, इजीएस्ट वे है, ऐसा उंगली का थोड़ा गैप कीजिए और इधर इस तरीके से राउंड राउंड आपको घुमाना है। जितना आपको अच्छा फ्लावर, आप जितना ये जितना आप मोटा बनाएंगे उतना अच्छा फ्लावर बनेगा। ऐसा देख पा रहे हैं आप, ऐसे आप जिस कलर का फ्लावर बनाना चाहते हैं उस कलर का उल लेके आपको ऐसे ही करना है। अभी सीजर से आपको एक्स्ट्रा ये उल इधर से कट कर लीजिए, और अभी आपको क्या करना है, ये उंगली के बीचों से ऐसे आपको ये उंगली को बीचों से लेके इधर से इसको बांध देना है। अभी इसको टाइट बांधने के लिए ऐसे उंगली से निकाल लीजिए और
आप इस तरीके से टाइटली आपको, जितना टाइट आप कर सकते हैं उतना टाइटली आपको ये बांध लिया। अभी ये जो जॉइंट है ये साइड का और ये साइड का, ये आपको काट लेना है। तो चलिए इस तरीके से आपको पूरा साइड से पूरा काट लिया। और अगर कुछ आपको लगे जैसे इधर कुछ जॉइंट रह गया है चेक कर लीजिए एक बार। अभी ये हो गया, अभी इसको ऐसा बॉल जैसा करके अभी एक्स्ट्रा जो है ये पूरा काट के फेंकना है। ताकि एक शेप देने के लिए अच्छा सा राउंड सा बने। तो लीजिए ये आपका पॉम्पम रेडी हो गया। मैं ये ग्लू गन की मदद से ये पॉम्पम लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो नॉर्मली कोई भी स्ट्रॉन्ग गम हो जैसे फेविकॉल हो, फेविक्विक हो, उससे भी आप चिपका सकते हैं। ग्लू गन से फटक से चिपक जाता है इसलिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ग्लू गन नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल गन भी यूज़ कर सकते, नॉर्मल जो गम होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर ग्लू गन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है लेट ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने लगा दिया, और फॉर सेफ्टी मैं पीछे से इसका और एक ग्लू का लेयर लगा दूंगी। इस तरीके से लग गया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका फ्लावर, एक फ्लावर स्टिक रेडी हो गया है। मैं ये बीच में कुछ स्टिक छोड़ दी हूँ क्योंकि ज़्यादा घिंजी हो जाएगा, आप अगर ज़्यादा फ्लावर डालेंगे दिखने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ऐसा गैप रहे तो अच्छा लगता है। आप चाहे तो ये वाला भी आप रेड यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चाहती थी एक बीच में कुछ और एक कलर आ जाए। अगर मैं चाहूँ बाद में, इसका एक बेनिफिट क्या है, बाद में मैं चाहूँ तो ये फ्लावर निकल के दूसरा मेरे रूम का जो कलर, जो थीम होगा उस टाइम पे, जिस फेस्टिवल टाइम पे, उस हिसाब से मैं फ्लावर चेंज कर सकती हूँ। फ्लावर का कलर आप भी चेंज कर सकते हैं, इजीली है। आप इसको निकालिए, आप इसको अगर आप ग्लू गन यूज़ करें तो थोड़ा सा आप हेयर ड्रायर अगर हो या नॉर्मली हीट या स्टीम वाटर के ऊपर थोड़ा सा पकड़ेंगे तो निकल आ सकता है, काफ़ी टाइम निकल के आ जाता है। तो निकल के आप दूसरा कलर का ऐसी पॉम्पम बना के, ऐसा फ्लावर बना के या बटरफ्लाई बना के आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर सच में आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो काइंडली थम्स अप दीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।